हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, एक बड़ा बैटरी चार्ज करने वाला कैसे बनाएंगे, और बैटरी जो बड़ा वाला बैटरी टेम्पो बैटरी हो गया, और उससे भी बड़ा बैटरी होगा तो नॉर्मल चार्ज कर लेगा, बट टेम्पो बैटरी के लिए ये चार्जर बहुत ही मस्त होने वाली है फ्रेंड आपके लिए, और छोटा मोटा बैटरी जो भी वो इजीली आप चार्ज कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है उसी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, और सारे एडिटिंग करके आपको वीडियो अपलोड मैं किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो में बने रहिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये बैटरी चार्जर हमने पहले बना चुका हूँ, लेकिन इसी को आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ कि बैटरी जो हमारा चार्ज ले रही है एम्पियर में तो 0.4 जा रही है, और पूरी डाउन रहेगी बैटरी तो 12 तक, 16 तक या 20 तक जा सकती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पता चलता है कि एम्पियर मीटर से कि हमारा बैटरी चार्ज ले रही है नहीं ले रही है, और कितना चार्ज है, और फुल चार्ज हुआ है कि नहीं। जब जीरो हो जाएगी तो हमारा जो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, और लगभग जितना पे मेरा था अभी उतना पर भी फुल चार्ज हो सकती है। तो ऐसे में बैटरी हमारा जो है फुल चार्ज की इंडिकेटर बोल सकते हैं एम्पियर मीटर को, और इजीली फुल चार्ज हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 4 एम्पियर के आसपास का ट्रांसफार्मर मैंने वेल्डिंग करवाया हूँ, जो है 13.0 के आसपास, 13 वोल्ट, 13.0 करके। तो ये आपको लाइन में 14 वोल्ट तक मिलेगी फ्रेंड, 14 वोल्ट या 15 वोल्ट या 16 वोल्ट तक आपको इजीली लाइन में मिल जाएगी वोल्टेज के अनुसार। और आपका जो बैटरी है कितना भी देर चार्ज लगा दें, ये ट्रांसफार्मर आपको बैटरी को ख़राब नहीं करेगी। अगर आप कहीं से भी बैंडिंग करवाते हैं तो इस टर्म्स में बैंडिंग करवा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम होने वाले नहीं है 13.0 में। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं इस ट्रांसफार्मर की मदद से आपको एक बैटरी चार्जर बना के दिखाऊँगा फ्रेंड। अगर इस ट्रांसफार्मर की आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर का कॉस्टली प्राइस जो हो सकता है 700-800 रुपये के आसपास हो सकता है फ्रेंड, उससे भी कम। नॉर्मल जिस तरह का आप चार्जर का बनवाना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप नंबर नोट कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको यहाँ दो वायर को इससे पीसीबी की बोर्ड में ट्रैक बना के यहाँ पर लगा रहे थे, ताकि बाद में कोई भी तार हमारा जो टूट ना जाए और ट्रांसफार्मर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे दो ट्रैक बना लेता हूँ। अगर आपको इस ट्रांसफार्मर को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांसफार्मर बैंडिंग करवा के चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ सकता है फ्रेंड, अगर कहीं नहीं मिल रहा तब, अगर अगल बगल में आप कहीं बनवाने वाला है तो आप वहीं पे कांटेक्ट करके बनवा लीजिएगा, अगर कहीं नहीं मिल रहा तो मैं आपका ये काम करवा सकता हूँ फ्रेंड। कितना एम्पियर चाहिए, कितना का लगभग में चाहिए, वो सारे डिटेल आप व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। तो इसलिए फ्रेंड, यहाँ पे दो ट्रैक मैंने जोड़ लिया हूँ, और फ्रेंड जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा ना सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को लोग भी इस चार्जर को बना पाए। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 6 एम्पियर का डायोड है, ये आपको 6 एम्पियर के नाम से ये डायोड मिल जाएगी, इसका नाम है डायोड, और इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसमें दो रंग यहाँ पे दिखेगा, ये वाइट करके एक तो दागे दिखेगा, और एक तरफ प्रॉपरी ब्लैक है, जो कि नया डायोड में दिख रहा था। तो उसका मतलब क्या है, जिस तरफ दागे दिया हुआ उसका दागे का मतलब है माइनस पॉइंट, और यहाँ पे एम्पियर मीटर यूज करूँगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन सारा चीज़ करके दिखाते हैं, डायग्राम तो मैं आपको नहीं दूंगा, जो है कनेक्शन यहाँ पे देख लें सीधा सीधी, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप चैट करें, कॉन्टेक्ट करें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी जाके आप इस चीज़ को बना पाइएगा। लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसको कोई छोटा सा बच्चा भी इसको बना ले। तो चलिए फ्रेंड,
आपको फिर कंप्लीट करते हैं। टसरमा को मैंने इंस्टॉल कर लिया, टसरमा इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड, और मैं आपको जो दिखाता हूँ वो उतने सारे चीज़ करनी है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एसी लाइन का दो कोड को दो तार लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे एसी का जो भी वायर है डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करते हैं दो वायर, और चलिए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और दो वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड इजीली दो वायर को ही कनेक्ट करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे दोनों का दोनों वायर मैंने एसी पॉइंट को कनेक्ट कर लिया हूँ, और फ्रेंड हमारा तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे तीन वायर दिए गए हैं, यह 13013 लगभग 13 13 26 वोल्ट। तो इस ट्रांसफार्मर में टोटल दो वायर को लेंगे साइड साइड वाली को तो 26 वोल्ट मिलेगी, नॉर्मल जीरो से लेंगे तो 13 वोल्ट। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो निशान दिया हुआ है ये नेगेटिव का है, लेकिन इधर पॉजिटिव मिलेगी, तो इधर से पॉजिटिव देंगे तो इधर पॉजिटिव मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है, जिस तरफ ब्लैक है जिस तरफ कोई निशान नहीं है उसी तरफ कनेक्ट करेंगे, और जिस तरफ निशान है उधर मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी। इसमें दागी आपको नहीं दिख रही फ्रेंड, फिर भी मैं आपको मदद करूँगा, हमारे पास पुराना था नया नहीं था, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ड्राइवर को कुछ इस तरीके से लगाएंगे आपका जो है काम कर जाएगी फ्रेंड। देख ये दो वायर को और यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, ताकि आपको जो इजीली कनेक्ट हो जाएगा और दोनों वायर में 13 वोल्ट आपको एक्यूरेट मिलेगी। चार एम्पियर के साथ और बहुत ही मस्त क्वालिटी आपको चार्ज करने में लगेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा जो है लगभग सोल्डरिंग हो चुका है, और यहाँ पे ये जो वाली जिसमें अभी मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ पॉजिटिव पॉइंट निकलेगी, और नेगेटिव पॉइंट जो है ट्रांसफार्मर का बीच वाली वायर को नेगेटिव पॉइंट निकलेगी फ्रेंड। आप यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर यूज करेंगे, और यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैंने थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, और नहीं यूज करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे प्लस को प्लस में कैपेसिटर का, और जिधर एक ठो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है ये जो चिन्ह है ब्लैक ब्लैक कलर का वो माइनस की तरफ लगेगा, जैसे कि इष्ट शर्मा का ये वाली पॉइंट में। तो चलिए लगाते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसमें लगा लिया हूँ, और यहाँ से दो पॉइंट मुझे मिल जाएंगे जिससे कि इजीली आपका जो बैटरी चार्ज होगी, और उसके बाद एम्पियर मीटर कनेक्ट करेंगे और सारा चीज़ कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड। चलिए दो वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया हूँ, इसको यहाँ पर लगा लिया हूँ, और कैपेसिटर के वायर को इस जगह पर लगा लिया हूँ। सिंपल सा कनेक्शन है, आपको सब दिख रहे हैं साफ साफ। आप इजीली कनेक्शन को कुछ इस तरीके से करके अभी बैटरी चार्जर को कंप्लीट बना सकते हैं। आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या होगा। तो फ्रेंड जो चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे एम्पियर मीटर को लगाते हैं। यहाँ तो हमारा एम्पियर मीटर तो घुस ही नहीं रहा, फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के घुसा लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड रेड वाली वायर को इस एम्पियर मीटर के कोई एक पॉइंट में लगाएंगे और सेकेंड पॉइंट से बाहर निकालेंगे। तो चलिए कुछ इस तरीके से कटिंग करके लगाते हैं। तो चलिए फिर मैंने कटिंग कर लिया, और यहाँ पॉजिटिव वाली पॉइंट में टैपिंग करते हैं, और ये फ्रेंड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसका नाम, और मार्केट में जल्दी मिलना मुश्किल है, लेकिन बेंडिंग ही कराना पड़ती है फ्रेंड चार्जर के लिए। तो चलिए फिर यहाँ से ये कर लेते हैं।
और फ्रेंड लोकल डस्टरमा जो होती है ना फ्रेंड, बहुत ही आप क्या बताएं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करती है, सही से काम नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने अच्छी वाली टसरमा मतलब ये जो टसरमा अच्छी वाले कॉपर वायर की मदद से मैंने यहाँ पे एंडिंग किया हो, ताकि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो चार्जर में, और टसरमा भी ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारा सेकंड वाली वायर से निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देते हैं फ्रेंड। तो पूरी लाइव वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ बनाने का, बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड वीडियो बनाने में, और बहुत ही समय लग जाती है, और टाइम नहीं मिल पाने के कारण से मैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि लाइफ में मैं जल्दी जल्दी और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा पाऊँ। और टाइम के कारण ही मैं वीडियो को बना नहीं पाता हूँ, और कुछ कुछ कमियाँ रह जाती है फ्रेंड, जिस कारण से आपको पूरी सपोर्ट मैं नहीं दे पाता हूँ। आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपका सपोर्ट करूँगा फ्रेंड। तो बहुत सारा रीज़न होने के कारण क्या कि इस वीडियो में बहुत ही टाइम लग जाती है, और प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। तो जिस कारण से मैं वीडियो को बहुत अच्छा अच्छा वीडियो को मिस कर दे रहा हूँ फ्रेंड आपके लिए। तो आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट अच्छा सा मिला और इनकम अच्छा सा आया इसके थ्रू, तो मैं आपका वीडियो को और ही ज़्यादा अच्छा इंक्रीज करके बनाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ ब्लू वाले कनेक्शन को भी जोड़ लिया, जो कि माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और एम्पीयर मीटर से क्लिक कर लिया। तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट, आपको कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, एक एलईडी लाइट इंडिकेटर के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए 1K या 4.7K रेजिस्टेंस यूज करेंगे, 1K से भी ज़्यादा, ताकि आपका रेड कलर का एलईडी लाइट है तो 4.7K, ताकि आपका जो एलईडी लाइट जल्दी फीच ना हो। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना फ्रेंड। और चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो एलईडी लाइट का नेगेटिव पॉइंट जो कैपेसिटर में जोड़ दिया हूँ, और पॉजिटिव पॉइंट को जोड़ने के लिए मैंने थोड़ा सा और खुटपाती दिमाग लगाया, बट आपको नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको क्या दिमाग लगाऊँ, एक डायोड लिया हूँ कुछ और ट्रिक बनाने के लिए, लेकिन वो ट्रिक काम नहीं किया, बट इसी कारण से मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ डायोड लगा रहा, डायोड से डायरेक्टली पावर आ रहा है, आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं डायोड के साथ ही लगाता हूँ, कुछ इस तरीके से पावर मिलने से मतलब है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इजीली यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ, एलईडी लाइट, एक रेजिस्टेंस लेना है, और एक एलईडी लाइट लेना है रेड कलर की, जिससे कि यहाँ पर पता चलेगा कि मुझे पावर आ चुकी है हमारा जो चार्जर है, और उसके बाद एम्पीयर मीटर में चार्ज ले रही है, वो एम्पीयर मीटर में बताएगी फ्रेंड, और सारा चीज़ यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है सारा कनेक्शन हो चुका है, और मैं आपको अब चेक करके दिखाऊँगा 100% वर्किंग ट्रिक। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक, और आज लेते हैं आपसे विदाई, और फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और